हाय फ्रेंड्स, शिल्दा.com में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेकर आए हैं उसका नाम है राजस्थानी बेसन के गट्टे। बेसन के गट्टे बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, मीठा सोडा, दही, साबुत सूखा धनिया, तेजपत्ता, राई, जीरा, हींग, मीठे नीम के पत्ते या करी पत्ता, धनिया पाउडर, गरम मसाला, टमाटर का पेस्ट, मलाई और तेल। बेसन के गट्टे बनाने के लिए एक बाउल में एक बड़ी कटोरी बेसन लेकर उसमें 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, चुटकी भर मीठा सोडा, 4 से 6 टीस्पून दही, 1/4 टीस्पून साबुत सूखा धनिया, 6 से 8 टीस्पून तेल, चाहे तो इसमें थोड़ा दही और भी मिला सकते हैं। इस मिश्रण को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च डालकर इसका डो तैयार कर लेंगे। अब डो तैयार होने के बाद इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब इस डो के लिए टुकड़े तोड़कर इसके लंबाई में रोल कर लेंगे। और इस रोल के टुकड़े काट कर इन्हें उबलते हुए पानी में डालकर ढककर उबाल लेंगे। अब उबलने के बाद बेसन के टुकड़ों को प्लेट में बाहर निकाल लेंगे और बचा हुआ पानी संभाल के रख लेंगे। अब इन टुकड़ों को चाकू की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब एक पैन में 4 से 6 टीस्पून तेल गरम करके उसमें तेजपत्ता, 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, मीठे नीम के पत्ते या करी पत्ता, 1 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर डालकर मिलाएंगे। अब इसमें टमाटर का पेस्ट डालकर थोड़ी देर पकाएंगे। अब इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालकर पकाएंगे। अब इसमें एक छोटी कटोरी मलाई डालकर पक मिलाएंगे। अब इसमें एक कटोरी मथा हुआ दही डालकर तब तक मिलाते रहेंगे जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। आप दही की जगह छाछ का भी उपयोग कर सकते हैं। उबलने
उबाल आने के बाद गट्टे निकालने के बाद बचा हुआ बेसन का पानी डालकर मिलाएंगे। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। अब ढक्कन हटाकर इसमें बेसन के गट्टे डालकर मिलाएंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक और 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालकर मिलाएंगे और इसको 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब ढक्कन हटाने के बाद में हमारी बेसन के गट्टे की सब्जी तैयार हो जाएगी। सर्व करते समय गार्निशिंग के लिए हरे धनिये का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप स्क्रीन पर दिए गए वीडियो लिंक पर क्लिक करके हमारी अन्य रेसिपीज़ को भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जल्दी एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।